आर्थर क्विन, जो हमेशा से अपनी बहादुरी और शाही जीवन के लिए जानी जाती थी, अब एक बेखौफ पायरेट क्वीन बन चुकी है, जो अपनी खतरनाक शिप के साथ बिना किसी क्राउन को पहने अचानक से क्लैश विलेज में देखी गई थी और अपने नए पायरेट के जज्बे व खास हार्पून से बने एक्सपो की मदद से पायरेट क्वीन अपने रास्ते में हर विलेज को तबाह करने के मिशन पर निकली है। और आर्थर क्विन के अब तक के सभी वर्जन में पायरेट क्विन कुछ अलग है, पर ऐसा क्या हुआ होगा कि आर्थर क्विन अपनी शाही जिंदगी को छोड़कर एक लुटेरे में बदल गई? और अगर पायरेट क्विन आर्थर क्विन ही है तो फिर ऐसा क्या कारण था जिसके कारण उस पर बाउंटी होने के बावजूद वो क्लैश विलेज में लौट आई है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब स्टोरी ऑफ पायरेट क्विन में। वो दिन कोई खास दिन नहीं था, पर फिर भी उस दिन विलेज के सभी ट्रूप्स टाउन हॉल के पास इकट्ठी हुई थी, क्योंकि विलेज में आर्थर क्विन कुछ बदली बदली सी देखी गई थी और वो सभी ट्रूप्स को बता रही थी, मैं हूँ पायरेट क्विन और अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे उसके खास एक्सपो का सामना करना पड़ेगा। सभी विलेजर्स आर्थर क्विन को उस नए अंदाज में देखकर हैरान थे, पर क्योंकि विलेज में अभी अभी 8th एनिवर्सरी की पार्टी खत्म हुई थी, किसी ने भी उसे सीरियसली नहीं लिया और ऐसा मान लिया कि वो आर्थर क्विन की कोई नई आउटफिट है जिसे पहनकर वो कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में चली गई है। और सभी विलेजर सोच रहे थे कि वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी, इसलिए सभी विलेजर्स ने क्वीन को खुश करने के लिए कहा, ठीक है हमारी पायरेट क्वीन। पर जहां सभी को पायरेट क्वीन का व्यवहार नॉर्मल लग रहा था, ग्रैंड वार्डन को आर्चर क्वीन का ऐसा कहना थोड़ा अजीब लगा। इसलिए जब सभी विलेजर्स वापस अपने काम पर लौट गए, ग्रैंड वार्डन आर्चर क्वीन से मिलने के लिए गया ताकि वो पता लगा सके कि आर्चर क्वीन ठीक है या नहीं। पर जब वो उसके पास पहुंचा, उसने देखा पायरेट क्वीन उस समय अपने एक्सपो से प्रैक्टिस कर रही थी और ग्रैंड वार्डन को वहां देखकर वो रुक गई। उसने कुछ देर वार्डन की तरफ देखा और फिर वो बोली, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा है। वार्डन ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए उसने पूछा कि क्या मतलब। क्वीन ने वापस अपनी प्रैक्टिस पर लौटते हुए कहा, कुछ नहीं, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। वार्डन ने कहा, क्योंकि तुम पहले खुद को पायरेट क्वीन कह रही थी, इसलिए मैं देखने के लिए आया था कि सब ठीक है या नहीं, और मैं सोच रहा था कि तुम पायरेट की तरह क्यों घूम रही हो, पर तुम्हें प्रैक्टिस करते देख लगता है मैं ऐसे ही फिक्र कर रहा था, तुम नॉर्मल आर्चर क्वीन ही हो। क्वीन जो उस समय तक शांत थी, पर वार्डन के ये कहते ही कि वो एक नॉर्मल आर्चर क्वीन है, वो गुस्से से भड़क उठी और फिर उसने वार्डन से कहा, नॉर्मल क्वीन, तुम्हें लगता है कि मैं एक आर्चर क्वीन हूँ, तुम्हें पता भी है कि मैं एक पायरेट कैसे बनी। वार्डन क्वीन को इस तरह भटके हुए देखकर पूरी तरह से हैरान था, इसलिए उसने माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक आउटफिट को लेकर इतना सीरियस हो जाओगी। ये सुनकर क्वीन पहले से भी ज्यादा भड़क उठी और उसने एक वांटेड पोस्टर दिखाते हुए कहा, इसे देख रहे हो, ये मैं हूँ, इस पूरे समुद्र की मशहूर पायरेट क्वीन। वार्डन ने जो सुना और देखा उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वार्डन को इस तरह हैरान देखकर पायरेट क्वीन ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं इस पोस्टर में कैसे आई और ये सब शुरू कैसे हुआ, या फिर तुम अब भी बार्बेरियन किंग को ही ठीक करने के बारे में सोच रहे हो। बार्बेरियन किंग का नाम सुनकर वार्डन ने कहा, तो तुम मजाक नहीं कर रही थी, पर मैं नहीं जानना चाहता कि तुम कौन हो या फिर तुम पायरेट क्वीन कैसे बनी, पर मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि अगर तुम वही हो जो तुम कह रहे हो तो तुम यहाँ कैसे आ गई। पायरेट क्वीन ने चिढ़ते हुए कहा कि ये मेरी स्टोरी है, इसलिए मुझे नहीं बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो। इस समय कोई ऐसा है जो इस स्टोरी को देख रहा है और वो मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहता है, इसलिए मैं शुरू से बताऊंगी कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। वार्डन ने कहा, जैसा तुम चाहो, बस हर बात पर गुस्सा मत हो जाओ। और ये कहने के साथ पायरेट क्वीन अपनी कहानी बताने लगी। वो एक आम दिन था जब मैं अकेली समुन्दर के बीच अपने शिप में आराम कर रही थी। वो कौन सा दिन था ये मुझे मालूम नहीं, पर उस दिन मैं काफी बोर हो गई थी क्योंकि कई दिनों से मैंने किसी विलेज पर अटैक नहीं किया था। वार्डन ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, पर तुमने तो कहा कि मैं तुम्हें शुरू से बताऊंगी, फिर तुम समुन्दर में कैसे आ गई। क्वीन ने कहा, मैं अभी उस समय शिप में बैठे यही सोच रही थी और सोचते सोचते मैं अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगी जब ये सब शुरू हुआ था। तो ये सब लगभग 3 साल पहले की बात है जब मैं पहली बार शिप पर चढ़ी थी और बिल्डर बेस पर गई थी। उस पल को याद कर मुझे आज भी खुशी मिलती है जैसे वो कल की ही बात हो। वो पहली बार था जब मैं क्लैश विलेज के जंगल से बाहर कहीं जा रही थी और समुन्दर की लहर से लेकर समुन्दर के खुले आसमान तक वो सब अनुभव मेरे लिए किसी जादू की तरह था।
मैं उस शिप पर बैठकर बिल्डर बेस पर एक खास मिशन के लिए जा रही थी। पर जब वो मिशन खत्म हुआ मैं बहुत खुश थी, पर अंदर ही अंदर मैं थोड़ी डरी भी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मिशन के खत्म होने के साथ अब मुझे वापस अपने नॉर्मल जिंदगी में लौटना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और अपनी पुरानी क्लैश विलेज की जिंदगी में वापस लौटने के बारे में सोचकर मैं घबरा गई। और मैंने कुछ ऐसा किया जो किसी भी विलेज की आर्चर क्वीन ने आज से पहले नहीं किया था। मैंने बिल्डर बेस से मास्टर बिल्डर की शिप को लिया और उसे लेकर भाग गई। और इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये स्टोरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल पे एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये रही आगे की वीडियो। मैं ना सिर्फ शिप को लेकर भागी थी बल्कि मैंने उसके साथ क्लैश विलेज को भी पीछे छोड़ दिया, और मेरे जाने के साथ ही क्लैश विलेज ने आर्चर क्वीन को खो दिया था, और मैंने एक ऐसा विलेज बना दिया जिसमें कोई आर्चर क्वीन ही नहीं थी। मास्टर बिल्डर की शिप चोरी होने से वो खुश नहीं था, पर मेरे विलेज को छोड़ने से बारबेरियन किंग कुछ ज्यादा ही निराश हो गया था, इसलिए उसने मुझे वापस लाने के लिए मेरे नाम पर एक बाउंटी रख दी। मुझे इस बात की तो खुशी थी कि किंग ने मुझे वापस लाने के लिए कुछ तो किया था, पर उस शिप में मैं खुद को आजाद महसूस कर रही थी और मैं आजाद रहना चाहती थी, इसलिए जो भी ट्रूप मुझे ढूंढते हुए आती मैं उसे तबाह कर देती। और ऐसा करते करते मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं सबसे भागते भागते एक पायरेट बन गई थी। मैं जो चाहती मैं वो करती, सभी मुझे जानते थे, और सबसे जरूरी चीज मैं आजाद थी। मैं किसी विलेजर के सपनों की जिंदगी जी रही थी, पर वो सब होने के बावजूद हर दिन लूट और पार्टी करने के बाद दिन के आखिर में मैं अपनी लूट के साथ अकेली होती थी। ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपनी लूट को बांटती। मेरे साथ एक क्रू तो था, पर वो मेरे साथ सिर्फ मेरे डर से ही था, और यहाँ इस विलेज में आने से पहले उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया था। और इस तरह उस दिन मैं अकेली समुन्द्र के बीच अपनी शिप पर बोर हो रही थी और अपने पास्ट की मेमोरीज को याद कर मुस्कुरा रही थी। मैं उस दिन कुछ भी खास चीज की उम्मीद नहीं कर रही थी, पर उस दिन कुछ खास हुआ। अचानक से मेरी शिप पर एक पोर्टल खुला और उसमें से एक आर्चर क्वीन निकली। जितना मैं उसे देखकर हैरान थी, इतनी ही वो मुझे देखकर भी हैरान थी। कुछ देर तक तो मुझे समझ नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा था, पर फिर मुझे उस आर्चर क्वीन ने बताया कि वहाँ क्या हुआ था। वार्डन ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि आर्चर क्वीन कुछ ऐसा भी कर सकती है। पायरेट क्वीन ने कहा यह सच है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पर उसने मुझे बताया कि कैसे तुम पिछले कुछ समय से बारबेरियन किंग को लेकर व्यस्त थे, और आर्चर क्वीन जो अकेला महसूस कर रही थी वो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। पर जब तुम बारबेरियन किंग को ठीक करने के लिए क्लॉकवर्क वर्ल्ड में गए तो उसने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया। वो कोई स्पेल्स को इस्तेमाल करने की एक्सपर्ट तो नहीं थी, पर तुम्हारी नकल करके उसने गलती से मेरे शिप पर पोर्टल खोल दिया था। वार्डन ये सुनकर हैरान था, पर उसने पायरेट क्वीन से कहा क्या मतलब, अगर तुम आर्चर क्वीन नहीं हो तो फिर वो कहाँ है। पायरेट क्वीन ने कहा कि एक ऐसी जगह जहाँ वो खुश है। वार्डन ने कहा सही से बताओ कि वो कहाँ है। पायरेट क्वीन ने कहा कि तुम नहीं समझोगे, पर जब मैं तुम्हारी आर्चर क्वीन से मिली थी मैंने उसमें वही खुशी और एक्साइटमेंट देखी जो मैंने कभी खुद में पाई थी जब मैं पहली बार शिप को लेकर भागी थी। उसे वैसे देखकर मैं बहुत खुश थी, पर इससे पहले मैं उसे बता पाती कि मैंने पायरेट बनने की क्या कीमत चुकाई थी, एक पोर्टल ने मुझे और मेरी शिप को इस विलेज में ला दिया, विलेज जिसमें मैं बहुत समय से जाना चाहती थी, एक जगह जो कभी मेरा घर होता था और जहाँ मैं कभी भी वापस लौट सकती थी। पर यहाँ आने के बाद तुमसे और बाकी विलेजर से मिलकर मुझे नहीं लगता मैंने कुछ मिस किया था, और तुम्हारी आर्चर क्वीन भी खुश होगी कि वो विलेज में नहीं है, और जैसे ही मैं वापस लौटने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी मैं वापस अपने समुन्द्र में लौट जाऊंगी, पर तब तक के लिए मुझे फिर से आर्चर क्वीन नहीं कहना, मैं पायरेट हूँ, पायरेट क्वीन। तो ये थी स्टोरी पायरेट क्वीन की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किसकी देखना चाहोगे। माइनक्राफ्ट की ओरिजिन स्टोरी, ट्रेडर की स्टोरी, ब्रॉल स्टार से ब्रॉलर कॉलेट की स्टोरी, या फिर आप सुपर आर्चर और आर्चर की मिक्स स्टोरी सुनना चाहोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं।